जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR डिफेंस क्लास में। दोस्तों आज हम 3 मार्च करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैंने सिलेक्ट यहां पर किया हुआ है। दोस्तों हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में भी बताया जाता है, तो यदि आप लोगों ने हमारा यहाँ पर अपकमिंग वैकेंसी, अभी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है यांत्रा इंडिया लिमिटेड के द्वारा आए एक न्यू वैकेंसी जो डिफेंस जॉब से रिलेट करते हैं दोस्तों, जिसमें सिंपल 10th क्लास पास आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, आप सिंपल वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। आप लोग चाहे SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट पुलिस, एनी अदर की किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चाहे आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं जो करंट अफेयर में आज यहाँ पर सिलेक्ट हो के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में 21 खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा किया गया है, तो कौन से खिलाड़ी है दोस्तों, देख ले जान लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल या फिर सचिन तेंदुलकर। तो जो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी का 50वां जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें उनका प्रतिमा को 23 अप्रैल को अनावरण किया जाएगा। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम रहता है तो आप हमें कमेंट करिए दोस्तों वीडियो के चलते के दौरान, जिसमें हमें भी पता चलेगा कि आपका नॉलेज किस लेवल का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला टिनबुनू को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, जापान, चीन, चेक, नाइजीरिया। तो जो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहां पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं उसके बारे में। इन्हें अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले वह लागोस के गवर्नर रहे हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीप फॉर वार्ता शुरू किया हुआ है दोस्तों, चीप फॉर वार्ता शुरू किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, चीन, चेक, भारत और ताइवान। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ताइवान राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। GSM ने हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया हुआ है। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, IMP टिक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो जो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, भारत राइट हो जाएगा। और चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, GSM का फुल फॉर्म जैसे पूछ देता है, तो उसमें ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है, याद रखिएगा। भारत को दूर संचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य के लिए यह अवार्ड हाल ही में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बनते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गुजरात राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपके और कुछ नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसमें 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोस और डिफिन है, जो जल्द ही गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो 6वां है, डिफेंस जॉब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं।
रक्षा मंत्रालय को हाल ही में कितने स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना से एक प्रस्ताव मिला है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टिक कर लीजिए इसको। ऑप्शंस देखते हैं, 110, 210, 310, 410। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप हमें कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो ऑप्शन सी है, 310। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बढ़ने से पहले यहाँ पर और कुछ जान लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय को हाल ही में पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनाती के लिए मेक इन इंडिया के तहत 310 स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना से प्रस्ताव मिला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, IRCTC और किस बैंक का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सा राज्य है, केरल, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में चलिए और जानते हैं कुछ। तो दोस्तों रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2444 करोड़ रुपये के 7 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यह दोस्तों। रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से स्टार्ट हुआ है। नवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं शुरू किया गया है दोस्तों। तो कहां किया गया है यहां पर देख लेते हैं, कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के अदरौली में, या फिर मंडी जिले के ताप्ती में दोस्तों, या फिर तातापानी में, या फिर दोस्तों शिमला जिले के रामपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सेगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, प्रमोद भगत हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने चैनल पर लास्ट शुरू से वीडियो में लास्ट से तक बने हुए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। या 3 मार्च का करंट अफेयर है, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।